नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेशमी विद्यांत आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई रेसिपी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आपके सामने एक गोभी मसाला करी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। इस यूनिक सी रेसिपी को बनाना जितना आसान है, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो जाने पर फ्लेम को लो करके गोभी को डालें। यहाँ पर 750 ग्राम गोभी इस प्रकार से मोटा मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसे लो फ्लेम में सुनहरा होने तक फ्राई करें और जब गोभियाँ सुनहरे हो जाए तो इसे सावधानी पूर्वक कढ़ाई से निकाल लें और फिर उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और डालकर गरम कर लें। अब गरम तेल में फ्लेम को लो करके 2 चीरा हुआ हरी मिर्च डालें, 1/2 टीस्पून हींग डालें और 1/2 टीस्पून जीरा डालकर करीबन 5 से 10 सेकंड चलाएं और फिर इसमें एक एक करके एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप्ड करके डालें और इसे हल्का सुनहरे होने तक फ्राई करें। और जब ये हल्के सुनहरे हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालें, 1 टीस्पून काजू बादाम का पेस्ट डालकर थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फिर इसे करीबन 10 सेकंड चलाकर इसमें एक एक करके 1 टीस्पून सब्जी मसाला डालें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ने लगे, इसका कलर भी बिल्कुल से चेंज हो गया है। अब इसमें एक एक करके 4 अंडों को लगातार फोड़ के डालें। अब इसे थोड़ा देर चलाकर एक भज्जी तैयार कर लें और फिर इसमें फ्राई किए हुए गोभी को डालें और आखिरी में 1.5 गिलास पानी और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को लो करके गोभी को कुक होने तक ढक ढक कर पकाते रहें। 10 मिनट हो चुका है, अब इसे थोड़ा चलाएं। इसी प्रकार से बीच बीच में जब तक कि गोभी कुक ना हो कवर खोलकर चलाते भी रहें। याद रखें कि आखिरी तक फ्लेम को लो ही रखना है। अब गोभी बिल्कुल से कुक हो चुके हैं। आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ कि गोभी कुक हुए कि नहीं। आप देख सकते हैं गोभी बिल्कुल से कुक हो चुके हैं और अब इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस और कुछ कटे हुए धनिया पत्ती ऊपर से डालकर फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। आपके सामने बहुत ही यूनिक और नॉर्मल सी रेसिपी एक गोभी मसाला करी बिल्कुल से बन के रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी और प्लेन चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।